देश जो है ये सभी धर्मों का एक देश है, लेकिन मोदी साहब की पॉलिसी है कि अंडानी अंबानी को राजा बनाते और जेब भिखारी बनाते पंजाब की जनता को। ये बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने वाली जो पॉलिसी है उसके विरोध में है। कठपुतली प्रधानमंत्री कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये आदमी मनमोहन सिंह नहीं बन सकता, ये आदमी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकता। उन लोगों की सोच थी, उन लोगों का कोई मकसद था, इसलिए लोग बीजेपी से प्यार करते थे क्योंकि वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं। आज के विश्व में, आज के संसार में इसे घटिया, इसे नलायक, इसे महानलायक, ये मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं, प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। ये सबसे बड़ा घटिया आदमी है, गुंडा आदमी है, सारे गुंडे हैं, सारे सारे जो है चोर हैं, डाकू हैं। उसको लगता है कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। लोग इस बार उसको आईना नहीं दिखाएंगे, जूता भी दिखाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अंडानियों अंबानियों का और जैसे वो हमारा वो जाजों वाला क्या नाम उसका भूल गया मेरे को, उसको बाहर निकाल दिया। कितने मोदी बाहर निकाल दिए इसने, सारे जितने गुजरात वालों ने हेरा फेरी की सब बाहर भेज दिए। क्या इसके जवाई लगते थे? वो ये नहीं होना चाहिए, हर के लिए एक ही कानून होना चाहिए जो नहीं है। सारा कुछ तो अपना प्लान कर दिया। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज जो था वो चुनाव का अध्यक्ष होता था, उसको बीच से ही निकाल दिया। ये देश जो है इस समय गुलामी की तरफ जा रहा है और हमें किसी भी किसी की गुलामी मंजूर नहीं है। जो मोदी का गोदी मीडिया है वो बोलता है ये बात, क्योंकि सच तो वो दिखाना ही छोड़ गया। आगे लोग देखते थे कि न्यूज देखनी है, आज तो मनोरंजन का साधन बन गया न्यूज चैनल। जब ऐसा चलता रहा तो मोदी एक दिन उस संविधान को बदलकर अपनी अपनी मर्जी से संविधान लिखेगा। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तानाशाह रवैया जो मोदी ने अपनाया है उसको बिल्कुल कोई भी देश का अच्छा वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। 2014 में जितने भी जुमले मोदी ने छोड़े हैं उनमें से एक भी जुमला पूरा नहीं हुआ है, केवल एक ही जुमला पूरा हुआ है, बाकी कोई काम नहीं किए। मोदी जी कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ। आज के विश्व में, आज के संसार में इससे घटिया, इससे नलायक, इससे महानलायक, ये मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं, प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। ये सबसे बड़ा घटिया आदमी है, गुंडा आदमी है, सारे गुंडे हैं, सारे सारे जो है चोर हैं, डाकू हैं, सारा देश का धन लूट के खा गए। जो मोदी को चंदा ले रहा है अडानियों अंबानियों से, चंदा लिया शरद रेड्डी से 60 करोड़ और FIR केजरीवाल पर, ठीक है, लोकतंत्र को बचाने के लिए और मोदी को भगाने के लिए। मोदी जो घटिया पॉलिसी पे चल रहा है, इस देश को तोड़ने की जो सियासत कर रहा है, वो बात जो है वो बर्दाश्त नहीं होने वाली। ये देश जो है ये सभी धर्मों का एक देश है, लेकिन मोदी साहब की पॉलिसी है कि अंडानी अंबानी को राजा बना दे और जेब भिखारी बना दे पंजाब की जनता को। ये बड़े घरानों को फायदा पहुँचाने वाली जो पॉलिसी है उसके विरोध में है। मोदी का जो आज देखिए कौन से राज्यों में मोदी ने धक्के से बहुमत होने के बाद भी वहाँ पर पैसे का खेल खेलकर सरकारें तोड़ी है और मरोड़कर बनाई गई है। इतना गिर गया है कि चंडीगढ़ म्यूनिसिपल नगर की छोटी सी चुनाव भी तोड़कर वो बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा फैसला दिया और अब वहाँ से मेयर जो है आम आदमी पार्टी का बना। तो देखिए जब ऐसी घटिया तरह की क्वालिटी देश का प्राइम मिनिस्टर करेगा तो फिर उस पर विश्वास का कैसे रहेगा जनता का। जनता कत्तर होकर ये बताना चाहती है कि हम लोग उस संविधान की हमेशा रक्षा के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, जो संविधान हमारे लिए शान है। और ये ऐसा ही चलता रहा, यदि ऐसा चलता रहा तो मोदी एक दिन उस संविधान को बदलकर अपनी मर्जी से संविधान लिखेगा। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तानाशाह रवैया जो मोदी ने अपनाया है उसको बिल्कुल कोई भी देश का अच्छा वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग इसके लिए बड़ा संघर्ष करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी तो जो भी कहते हैं कि मैं 15 लाख रुपया एक आदमी को दूंगा, आप लोगों को मिल गया, हमें तो नहीं मिला। प्रधानमंत्री बोलते थे कि 300 का सिलेंडर हम सस्ता कर देंगे, आज आप पता कर लो 1200 का मिल रहा है। अभी वोटें आई हैं तो 100 रुपया 200 रुपया रेट कम कर दिया। ये जो ये चुनावी जो है ना लॉलीपॉप, ये अब इंडिया की देश लोग लेने वाले नहीं है।
लोगों को मालूम है कि ये एक कठपुतली है, कठपुतली प्रधानमंत्री कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये आदमी मनमोहन सिंह नहीं बन सकता, ये आदमी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकता। उन लोगों की सोच थी, उन लोगों का कोई मकसद था, इसलिए लोग बीजेपी से प्यार करते थे क्योंकि वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं। ये किसी को नहीं पता था कि ये आदमी एक कठपुतली है और इस कठपुतली ने हमें और पूरे देश को आज वहाँ पर खड़ा कर दिया लाकर, जहाँ पर हमें हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके आगे अगर हुआ तो बड़ा संघर्ष भी होगा और इस तानाशाह को जैसे अफगानिस्तान में उसका अंत किया है, इसका भी अंत ऐसे ही होगा, आप लोग देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है हमारे देश में बहुत संघर्ष किया गया, वकीलों की तरफ से, जजों की एक पीठ बनी है उनकी तरफ से कि ये बैन होना चाहिए, लेकिन ये मोदी साहब जो चुनाव से ऐन वक्त के बाद जो चुनाव कमीशन है उसको भी चेंज कर देता है तो क्या करें, क्योंकि सारा कुछ तो अपना प्लान कर दिया। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज जो था वो चुनाव का अध्यक्ष होता था, उसको बीच से ही निकाल दिया। ये देश जो है इस समय गुलामी की तरफ जा रहा है और हमें किसी की गुलामी मंजूर नहीं है। हम पंजाब के वासी हैं, हमने तो मुगलों की गुलामी नहीं की, हम कभी किसी के नीचे लग के काम नहीं करेंगे। जब हमारे खून को इस देश को जरूरत पड़ेगी ना तो हम आगे मिलेंगे आप लोगों को कि हम वो लोग हैं, हमने देश के लिए हमेशा 80% कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी देते रहेंगे, कभी डरना नहीं है। बिल्कुल छाती पे बैठकर बताएंगे इसको कि हम वही लोग हैं जिन्हों से मुगल भी डरते थे और तेरी तो वजूद ही कुछ नहीं है। देखिए सर, सरकार नहीं कहती, कहता है मीडिया, जो मोदी का गोदी मीडिया है वो बोलता है ये बात, क्योंकि सच तो वो दिखाना ही छोड़ गया। आगे लोग देखते थे कि न्यूज देखनी है, आज तो मनोरंजन का साधन बन गया न्यूज चैनल, आप भी न्यूज चैनल हो मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन जो आज हालात बन गए हैं लोगों ने न्यूज चैनल देखना ही बंद कर दिया है, अच्छे लोग न्यूज चैनल ही देखते। अरे ये तो उसकी मंशा है ना, उसको लगता है कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। लोग इस बार उसको आईना नहीं दिखाएंगे, जूता भी दिखाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा जब वोट डलेगा तो जबरदस्ती कोई इलेक्ट्रिक मशीन में कर ले तो कर ले, नहीं तो वोट तो इस बार इसको पड़ने वाला नहीं। 5 किलो राशन तो दिया जा रहा है ना? अरे 5 किलो राशन तो गरीब को चलो दे रहे हैं, लेकिन कितने को दे रहे हैं, उसमें कितना बड़ा घोटाला है आपको मालूम है? हम लोग 5 किलो राशन वाले हैं, हमें तो देश का, हम लोग मान है देश का, मान को कभी राशन से नहीं तोला जा सकता। मोदी जी का तो कहना है भ्रष्टाचार मिटाना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मोदी कोई भगवान नहीं है, जो नारा देता है उसके उल्ट चलता है, इसलिए उस पर कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता। वो एक घटिया तरह का घटिया प्रधानमंत्री साबित होगा, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो नाक कटवा रहा है वो मोदी है, मोदी से घटिया आज तक कोई राजनेता नहीं हुआ। मोदी जी नहीं तो फिर कौन 2024? देखिए देश में अच्छे अच्छे चेहरे बैठे हैं, जिसको भी देश की जनता इंडिया अलायंस को अगर आप लोग आगे लाओगे तो वो अच्छा संविधान, अच्छा राज देने की ताकत रखते हैं। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, उसके लिए अच्छी सोच होना और अच्छा मोटो होना कि लोगों को कैसे सौखा, उसका जीवन कैसे आसान किया जा सकता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा है उसको कैसे बताऊं। नानियों बानियों का, और जैसे वो हमारा वो जाजों वाला क्या नाम उसका भूल गया मेरे को, उसको बाहर निकाल दिया, कितने मोदी बाहर निकाल दिए इसने, सारे जितने गुजरात वालों ने हेरा फेरिया की सब बाहर भेज दिए, क्या इसके जवाई लगते थे वो? ये नहीं होना चाहिए, हर के लिए एक ही कानून होना चाहिए जो नहीं है इस समय।